ब्रह्मदेव की अनुपस्थिति में आज गौ माता ने देवलोक का नियम भंग किया है। इस अनुचित कार्य के लिए उन्हें दंड दिया जाएगा। देवी पौलमी का षड्यंत्र धरती लोक के साथ साथ अब देवलोक में भी चलने लगा है। उन्होंने आपको यक्ष लोक बेचकर उस समय का लाभ उठाते हुए गौ माता को दंड देने की योजना बना ली। माते कुछ कीजिए। माते देखिए, पता नहीं कैसे हमारे कमरे में चले आए हैं। इन लोगों को मैंने रखा, लेकिन धैर्य सर क्यों? क्योंकि मैं अपने बच्चे के साथ रिस्क नहीं ले सकता और मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं। गौ माता, हम किसी आवश्यक कार्य के लिए ब्रह्मदेव के कार्यालय जा रहे हैं। हमारे वाटिका में जो पुष्प मुरझा रहे हैं, आप उन्हें सिंचित कर दीजिए। माती, देवलोक के उपवन का सिंचन तो स्वयं वरुण देव करते हैं। हम उनको सूचना दे देते हैं कि आपके उपवन का सिंचन करवाए वो। हमने आपको आदेश दिया है, वो घड़ा उठाइए और उसी से वाटिका को सिंचित कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए देवी, हम अभी आपके आदेश की पूर्ति करते हैं। यार, सुबह से थक गई मैं पेशेंट की देखभाल करते करते। अब तो पेशेंट भी सो चुकी है। हाँ यार, थोड़ा हम भी रेस्ट कर लेते हैं, है ना? हाँ। ये क्या तरीका है? कौन है आप लोग और ऐसे रास्ता क्यों रोक रहे हैं हमारा, हमारे ही घर में? मैडम, धैर्य सर ने हमें आपका बॉडीगार्ड बनाया है। बनाया होगा, लेकिन फिलहाल हमें मंदिर जाना है, इसलिए हमारा रास्ता छोड़िए। सॉरी मैडम, धैर्य सर ने हमें मना किया, उनकी परमिशन के बिना आप कहीं नहीं जा सकते, प्लीज। अजीब बात, ये क्या बात है कि उसके, हमने कहा हमारा रास्ता छोड़िए। मैडम प्लीज, आप अपने कमरे में जाइए और जाकर आराम कीजिए। तो अब आप बताएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। प्लीज मैम, हमको कोऑपरेट कीजिए, हमको जैसा ऑर्डर मिला वैसे ही काम कर रहे हैं। प्रतीत होता है जीव निर्माण ग्रंथ यही है। अब हम इस ग्रंथ से कुछ ऐसा करेंगे कि संतोषी, तुम्हारा जीवन तहस नहस हो जाएगा और अपनी भक्त की दुर्दशा देखकर देवी संतोषी भी कष्टों से घिर जाएंगी। हमारे यहां आने का उद्देश्य पूरा हो, अब हम हमारे स्थान पर लौट जाना चाहिए।
मत अलग कीजिए माँ, हम आपसे अलग नहीं होना चाहते। नारायण नारायण, प्रणाम माते। माते, आपको तो सब ज्ञात है कि किस प्रकार देवी पौलमी गौ माता को प्रताड़ित कर रही है। गौ माता अत्यधिक कष्ट में है माते, हमारी आपसे यही विनती है माते, कुछ कीजिए, शीघ्र कुछ कीजिए माते। देव ऋषि, आप सत्य कह रहे हैं। अब तक हम ये सोच कर शांत थे कि नियति पर किसी का बस नहीं चलता। नियति उसे कहते हैं जिसे ब्रह्मदेव ने लिखा है, किंतु गौ माता के साथ जो अन्याय हो रहा है उसे देवी पौलमी लिख रही है। अब हम गौ माता को देवी पौलमी के सेवा कार्य में नहीं रहने देंगे। माते, हम भी आपके इस निर्णय का समर्थन करते हैं, किंतु माते, क्या आप देव सभा के निर्णय की अवहेलना करेंगी? नारायण नारायण। देव ऋषि, हम सत्य और न्याय के लिए किसी की भी अवहेलना कर सकते हैं। गौ माता, आपने अभी तक एक भी पौधा नहीं सींचा, आप कितनी अकर्मण्य हैं। वो क्या हुआ था कि मैं पानी डालते जा रही थी पर वो पौधे। माते, कहीं ये घड़ा श्रापित तो नहीं? इस प्रकार स्वांग करके आप बच नहीं सकती गौ माता, आपको अभी इन समस्त पौधों को सींचना होगा, अन्यथा हम आपको दंडित करेंगे। वो मेडिसिन देना अभी इन्हें देनी है ना? देखिए आप दोनों, नीचे हॉल में चाय रखी है, आप दोनों जाइए चाय पी लीजिए, तब तक हम संतोषी के साथ बैठते हैं। काकी, ये क्या मुसीबत है? इससे अच्छा होता कि हम दादी के पास चले जाते। लेट लेट कर परेशान हो गए हैं, जब देखो पड़े रहो बस बिस्तर पर। बेटा कुछ उदास नहीं होता है? बड़ी ठीक नहीं है ना काकी, कुछ तो कीजिए ना आप लोग। हम समझते हैं बेटा तुम्हारी बात, लेकिन ये सोचो कि अगर तुम वहां चली गई तो वहां तुम्हारी माँ तो है नहीं बेटा, कौन करेगा तुम्हारी देखभाल? हाँ तो क्या हुआ, दादी तो है ना, वो बहुत ख्याल रखेंगी हमारा। वैसे भी वो हमें लेने के लिए आई थी, हमें दादी के पास जाना है बस। विद्या जी, हमें लगता है कि जो संतोषी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। पापा, संतोषी के सोचने से कुछ नहीं होगा। खबरदार, जो तुमने अपने घर जाने के बाद की, मेरा बच्चा उन भिखारियों के घर पे पैदा नहीं होगा। और इसके बाद अगर तुमने दोबारा वहां जाने की बात की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
संतोषी बेटा, तुम परेशान मत हो, अगर तुम कल मायके जाना चाहती हो तो बेहिचक चले जाना, हम धैर्य को संभाल लेंगे, चिंता मत करो। लेकिन सुनिए विद्या जी, आप बीच में कुछ मत कहिए, क्योंकि जिस तरह से आपका लाडला हमारी बिटिया के साथ बर्ताव कर रहा है, उससे बेहतर यही है कि वो अपने मायके चली जाए। जीव निर्माण के ग्रंथ के अनुसार हमें जो अनुष्ठान करना था वो हमने कर लिया। अब हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए पावक, जल, समीर, क्षेति, गगन, इन पंच तत्व का एक योग बनाना होगा। पर इन सबको इकट्ठा करने से पहले एक बार गौ माता का सूचना लेना आवश्यक है। माता, आपको इतने कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे साथ चलिए। किंतु माते, हम तो देव सभा के निर्णय से बाध्य हैं। देव सभा का निर्णय किसी के साथ अन्याय करने की आज्ञा नहीं देता, आपके साथ अन्याय हो रहा है। देवी संतोषी, आप नियमों का उल्लंघन कर रही है। आप कदापि भूल रही है कि गौ माता अब हमारी सेविका है और अपनी सेविका से उसकी स्वामिनी कोई भी कार्य करवा सकती है। देवी पौलमी, माना आप इस समय गौ माता की स्वामिनी हैं, किंतु इसके भी कुछ नियम होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य मानवता का अधिकार छोड़ नहीं सकता, उसी प्रकार देवलोक में देवत्व का होना आवश्यक है। आप देवत्व के विरुद्ध जाकर गौ माता के साथ अन्याय कर रही हैं, इसीलिए हम इन्हें ले जा रहे हैं। देवी संतोषी, आप इन्हें नहीं ले जा सकती। हम इन्हें यहां से अवश्य लेके जाएंगे, देखते हैं हमें कौन रोकता है। हम आपके द्वारा किए गए अन्याय का विरोध करते हैं, हमारे मार्ग में आने की चेष्टा ना करें। देवी संतोषी, गौ माता को न्याय व्यवस्था के अंतर्गत दंड मिला है, इसीलिए आप इन्हें नहीं ले जा सकती। माना, न्याय व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए आपने गौ माता को दंडित किया है, किंतु न्याय व्यवस्था को बनाए रखना भी आवश्यक है, इसीलिए हम इन्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। देवी संतोषी, आप ऐसा नहीं कर सकती। यदि आपने ऐसा किया, आपको हमारे क्रोध का सामना करना होगा। देवी, अनुचित कार्य के लिए क्रोध ना केवल देवलोक को हानि पहुंचाएगा, अपितु आपकी देवी प्रतिभा को भी प्रभावित करेगा। व्यर्थ की बातों में हमारा समय नष्ट ना करें और गौ माता को छोड़ दे, अन्यथा इसका परिणाम उचित नहीं होगा। देवी संतोषी,
गौ माता को छोड़ दे, अन्यथा हमें अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। यदि एक निर्दोष की रक्षा के लिए हमें आपके ब्रह्मास्त्र के प्रहार का सामना करना पड़े तो हम इसके लिए तैयार हैं। यदि एक निरापराध को इस प्रकार का कार्य करना पड़ रहा है तो देवलोक के समस्त न्याय मंडल के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है और हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। इस समय हम ब्रह्मस्थान पर विराजमान हैं और सर्वशक्तिमान हैं। आप हमारे समक्ष कुछ भी नहीं, इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए पीछे हट जाइए देवी। माता शांत हो जाइए, अन्यथा समस्त संसार को कष्ट ही पहुंचेगा और देवलोक का भी सर्वनाश हो जाएगा। नहीं गौ माता, सत्य और न्याय के लिए हम हर शस्त्र का सामना करेंगे। नारायण नारायण। माते शांत हो जाइए, माते हम आपसे विनती करते हैं, अपने क्रोध को शांत कीजिए माते। और देवी पौलमी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपने ये निर्णय परम पूज्य पिता श्री ब्रह्मदेव की प्रतिनिधि के रूप में लिया है और हो सकता है कि प्रजापति इस प्रकार का निर्णय ना ले, और यदि ऐसा हुआ तो आप इस पद के दुरुपयोग की आरोपी होंगी, आरोपी। इसलिए हमारी आपसे केवल इतनी विनती है कि आप शीघ्र अति शीघ्र अपने इस निर्णय को स्थगित करें। यदि प्रजापति इस निर्णय को मान्य करते हैं तभी यह निर्णय सर्वमान्य होगा। इसलिए इस समय हमारी आपसे केवल यही विनती है देवी पौलमी, इस चर्चा को यहीं पर त्याग दें और शांत हो जाएं। माते, माते स्थिति को समझने की चेष्टा कीजिए, अपने क्रोध को शांत कीजिए माते, शांत कीजिए। ब्रह्मदेव के लौटने के पश्चात हम आपसे भेंट अवश्य करेंगे देवी पौली। जैसे आपकी आज्ञा माते, जैसे आपकी आज्ञा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण नारायण। देवी संतोषी, आज तो आपको देवर्षि ने बचा लिया, किंतु शीघ्र ही हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपके जीवन में कष्ट और क्लेश का चक्रवात आ जाएगा। वाह, आपके हाथ में तो जादू है। गरम है बेटा। जब हम मां बनने वाले थे ना, तो ऐसे ही घी मावे और सोन के लड्डू हमारे मेके से भी आए थे। अरे हम तो भूल ही गए थे कि हमें भी संतोषिया के घर में ये सब कुछ भिजवाना है। बड़ा ध्यान रखती है तू अपनी ननद का। खबरदार जो किसी ने इसकी तरफ आंख पा कर भी देखा। ये सब हमें संतोषिया के यहाँ भिजवानी। हम भोग थोड़ी लगा रहे हैं, हम तो बस दर्शन कर रहे हैं। गौ माता, कुछ समय के लिए आप गौशाला से अवकाश ले लें और विश्राम करें। क्या हुआ, किस विचार में पड़ गए? गौ माता, आप रो क्यों रही हैं? माते, हम विश्राम नहीं करना चाहते क्योंकि हमें अशुभ स्वप्न आने का भय सता रहा है। हम आपकी मनोस्थिति समझ रहे हैं, किंतु कुछ समय पश्चात सब ठीक हो जाएगा। एक मुरझाए हुए पौधे को पुनः पल्लवित होने में
कुछ समय लगता है, उसी प्रकार आपको भी थोड़ा समय लगेगा। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, हम हैं आपकी रक्षा के लिए गौ माता। माती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी पॉलिनी से बचाने के लिए। आपकी भांति हम भी दुखी हुए थे जब देवी पॉलिनी ने आपको दंडित किया। उसी समय से हमें अनुभूति हो रही थी कि वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। माते, अब देवी पॉलिनी अत्यधिक भयावह हो गई। वो सीधे सीधे कोई कृत्य नहीं करती, किसी ना किसी को अपनी ढाल बना रही है। सत्य कह रही है आप गौ माता, हमें भी अत्यधिक सावधानी से मार्ग चलना होगा।